नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से फैमिली में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है ऋषि और लक्ष्मी के बारे में। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय फैमिली में डिसीजन लेने के लिए ऋषि और परिवार के साथ साथ में अब मलिष्का भी मौजूद है, जिसके सामने आयुष अपनी बात रखता हुआ नजर आने वाला है ऋषि और लक्ष्मी के जीवन पर आधारित। जी हाँ, क्योंकि वो बोलता हुआ नजर आएगा कि भाई को लक्ष्मी जैसी नहीं मिल सकती और बात की जाए लक्ष्मी को भाई जैसा कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में आप लोग देख पाएंगे कि ऋषि किस तरीका से बोलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय बोलेगा कि मेरा तमन्ना ये है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऋषि और लक्ष्मी की दोबारा तो शादी होगी, लेकिन दोस्तों मलिष्का इतनी ईजी किसी की शादी नहीं होने देगी। इधर बात की जाए बलविंदर की, तो बलविंदर इस समय बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा है और बलविंदर के सर पर इस समय खून सवार है, क्योंकि उसका मानना यह है कि अगर लक्ष्मी मेरी नहीं हुई तो मैं ऋषि की भी नहीं होने दूंगा। क्योंकि दोस्तों बलविंदर एक ऐसा शैतान है कि लगातार टारगेट पर टारगेट बहुत गंदी तरीका से करता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी का अंत यही नहीं होता है, बल्कि कहानी का अंत जो दिखाया जाएगा वो और भी घना दिलचस्प दिखाया जाएगा, जब बलविंदर बोलता हुआ नजर आएगा कि मैं कुछ भी करूं लेकिन लक्ष्मी को ऋषि की नहीं होने दूंगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी में वाकई में दिलचस्प नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मलिष्का बोलती हुई नजर आने वाली है बलविंदर से कि मैं बहुत पैसे दे दूंगी लेकिन जल्द से जल्द तुम लक्ष्मी को यहाँ से कैसे ही गायब कर दो। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। आप लोगों को उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं वीडियो देखने के लिए गाइस।